चलो देखो, टॉपिक का नाम लिखो, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सवाल है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहने का क्या मतलब है? सीरीज में है कि पैरेलल में है, याद है ना? सीरीज कैसे पहचानते थे बता? सूरज तू तो पढ़ा है कल, ठीक है, जो जो पढ़े तुम लोग शांत रहना, जो जो नहीं पढ़े वो लोग केवल रिस्पॉन्स करना। भाई आप लोग अंकुर ध्यान दे, चल सीरीज कैसे पहचानते थे? सर जिसमें करंट सेम जाता, करंट सेम जाता है वो उससे कोई लेना था नहीं, वो सेम भी हो सकता है अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो, करंट सेम जाना चाहिए, ठीक। पैरेलल कैसे पहचानते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। पोटेंशियल डिफरेंस तभी सेम होता है जब सेम दो पॉइंट से दो रेजिस्टर कनेक्टेड होते हैं, है ना? तो सवाल कितने तरह का पूछा जाता है उस पर बात करते हैं। जो पढ़ लियो वो तुम लोग रहने देना, जो नहीं पढ़े हो केवल वो लोग रिस्पॉन्स करो। हाँ नहीं, इस पर डिटेल चर्चा नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत ऐसे ही कराए थे सवाल, है ना? आज पूरा डिटेल बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन। तो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या रहता है बेटा? जिसमें तुमको डायरेक्टली सीरीज पैरेलल दिखाई देगा, जिसमें डायरेक्टली सीरीज पैरेलल दिखाई देगा। जैसे दो चार क्वेश्चन कर रहे हैं, ये उतारोगे कॉपी में आज तुम लोग भी, ठीक है ना? देखो टाइप वन जिसमें आपको सीरीज पैरेलल डायरेक्टली क्या होगा दिखाई देगा। जैसे बहुत सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। देख चलो देखो यहाँ पे, पहले देख लो यहाँ पे एक बार, बताओ दिखाई दे रहा है अंकु? कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे? क्या दिखाई दे रहा है? ये दोनों दिख रहा है क्या? पैरेलल में है तो बता, टू आर क्या हो जाएगा? छोड़ दे तुम लोग तीनों रहने दे, चुप रहे। टू आर कितना हो जाएगा? वन आर ना, अरे आर में है तो आर हो जाएगा, होगा क्या अंकु? बताया इतना कि सेम रहता है रेजिस्टेंस और दो बार है तो दो से सीधा डिवाइड कर दे तो इन दोनों का कितना हो गया? आर हो गया। अच्छा आर और आर सीरीज में आर हो जाएगा तो टू आर तो सीधा आंसर क्या लिख दे हम? आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज आर। हो गया, बहुत सिंपल है, कोई तकलीफ? उतार ले, गुड। जितना मेरे को मेहनत लगेगा सवाल बनाने में उतना तेरे को आंसर देने में मेहनत नहीं लगेगा, देखना। आगे देखो, कौन बताएगा? चलो बताओ, सब कोई बताओ। देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये चारों क्या में है? पैरेलल है तो 2 ओम हो जाएगा, और 2 और 2 4 ओम, ये 3 किस में आ जाएगा? फिर सीरीज में आ जाएगा क्या? Seven. तो 4 3 7 और 7 और ये 3 अच्छा इसको 2 ही रख देते हैं, तब अच्छा आंसर दिखाई देगा, ठीक है। कितना हो गया अब? 6 हो गया, अब ये 3 6 और 3 का 2 पैरेलल क्या होता है? Two. याद है ना? Yes, तो सीधा आर ए भी क्या लिख दूँ? 2
ठीक है, बहुत सिंपल है। अब वो पिज्जा वाला सवाल एक और। हाँ वही वही, बता बेटा। ए और बी के अक्रॉस कितना होगा यहाँ पे? सूरज किधर से सॉल्व करना शुरू करेगा? इधर से ना, बोल। दो और दो चार, चार और चार एक, दो चार चार सेम है ना, तो दो से डिवाइड कर दे, दो ओम हो गया। फिर दो और दो चार, चार दो दो चार, चार दो, आंसर दो। ठीक है, विकास नहीं है। हाँ हाँ, ये वो सवाल है जिसमें सीरीज पैरेलल डायरेक्टली दिखाई देता है और आंसर आता है। एक और डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, देखो एक और सवाल कर लो इसका। देख तो बेटा, हाँ देख, ये जितना भी डंडा दिख रहा है ना, वो सब आर आर रेजिस्टेंस। ए और बी के बीच में बताना है आर इक्विवेलेंट। सर आर ही होगा, पता नहीं, बताओ कहाँ से सॉल्व करना शुरू करोगे? ध्यान से देख लो, क्योंकि हम मिटा देंगे, क्वेश्चन उतार लो पहले। सर ए और बी तो ऐसे है ना, तो आर ही है। ए और बी ऐसे ऐसे, मतलब एक्चुअल में ये इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी, तो इन दोनों पॉइंट को जैसे है वैसे रहने देना। सो व्हाट, यहाँ रेजिस्टेंस आर है ना, तो अगर तुम बैटरी लगाओगे तो इधर भी करंट जाएगा, इधर भी जाएगा ना, तो सबको कंसिडर करना पड़ेगा ना। यहाँ पे केवल कनेक्टिंग वायर रहता तब ना सीधा चले जाते हैं, रेजिस्टेंस है ना वो। क्वेश्चन उतार लो, कल तुम लोगों को तो याद ही होगा शायद। उतार लिए, अब सॉल्व करें हम घर पे, बाकी करना मैं यहाँ मिटा मिटा के करूँगा। सवाल ख़त्म हो जाता, तुमको भी पता है। देखो इधर आओ, कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ? इस साइड से या इस साइड से? इधर से, तो एक ख़त्म हो जाएगा ना, गधे हो क्या? इधर से कैसे स्टार्ट कर सकते हो? देख, जो दो पॉइंट के अक्रॉस निकालना है वो दो पॉइंट को एज इट इज रखना है। जैसे इन दोनों को पॉइंट के अक्रॉस निकालना था ना, तो इन दोनों को तो एकदम ऐसे पकड़ ले, ये दोनों कभी भी किसी भी कीमत पे ख़त्म नहीं होने चाहिए। अरे बात समझ में, तो तेरे को इन दोनों के अप्रॉक्स अक्रॉस निकालना है ना बेटा, तो ये पहले इसी को सॉल्व कर लेगा क्या तुम? कहाँ से सॉल्व करेगा? ऊपर से चाहे इधर से कर सकते हो, चल ऊपर से कर। तो ये आर और आर क्या दिखाई दे रहा है? सीरीज में है ना, तो मिटा दे, तो टू आर सीरीज में हो गया, मतलब ऐसा कुछ हो गया। देख ऐसा हो गया क्या? सिमिलरली देख, ये दोनों भी सीरीज में है क्या? तो इन दोनों को भी सॉल्व करने के बाद आ गया 2R। अब देख बेटा, 2R 2R ये पैरेलल में है ना, तो पैरेलल वाला बोल फॉर्मूला क्या रहता है? दो आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, तुम लोग को याद है, 1 बाई आर इक्वल्स टू 1, ऐसा याद है? तो हाँ, तो क्या लिखेंगे बोल? R1 R2 by R1 plus R2, ऐसा ना, 2R by 3, यही ना।
हाँ, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आ गया रे, 2R by 3, कितना आ गया बेटा 2R by 3, इन दोनों को सॉल्व करने पे आ गया 2R by 3, कोई दिक्कत? अब ये 2R by 3, 2R by 3 क्या में आ गया? अब ये सीरीज में इसके साथ पैरेलल, फिर ये पैरेलल इसके साथ, फिर ये सीरीज इसके साथ, सॉल्व हो जाएगा, कर लोगे घर पे आराम से, छोड़ दो जगह थोड़ा सा, कर लेना आराम से, क्योंकि दिख रहा है डायरेक्ट सीरीज पैरेलल, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये ऐसे सवाल थे जिसमें सीरीज पैरेलल हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है ना। चलो आगे देखो, अब वो सवाल करेंगे जिसमें सीरीज पैरेलल हमें डायरेक्टली आंखों से दिखाई नहीं देता, बट हमें ढूंढना पड़ता है, वो सीरीज पैरेलल होता है बट हमें आंखों से डायरेक्टली दिखाई नहीं देता। तो लिखो टाइप टू में कैसा रहेगा बोल, वो रहेगा सीरीज पैरेलल ही पर तुम्हें डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा, जैसे ये सब दिख जा रहा है ना, वो तुम्हें डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा। जैसे सुनो, ए और बी के अक्रॉस निकालना है, सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, आर 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 निकाल सकते हो क्या? अच्छा रुक जाइए, थोड़ा सा तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा, अभी एक और ऐसा ही डायग्राम बना रहे, पहले इसको बना लो, थोड़ा सा टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, रुक जाओ, ऐसा ही एक और डायग्राम बना रहे हैं। आर 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 आर, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ए और बी के बीच में बताना है। हाँ ठीक है, तुम लोग बताओ, बाकी लोग अंकु और तुम दोनों, सर वो ऊपर का ये और ये वाला तो पैरेलल पे, कौन कौन, ये वाला और ये वाला, ये हाँ, कैसे पता सर? वहाँ से ऐसे करंट जाएगा तो एक यहाँ पे जाएगा, एक आगे चला जाएगा। कहाँ से करंट, यहाँ से करंट जाएगा तो ऐसे करंट गया, गया, गया और एक इधर गया और एक इधर गया, सो व्हाट? तो तुमको ये कैसे पता? डिवाइड होने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, करंट डिवाइड होने का ये मतलब नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। नहीं 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 नहीं, पैरेलल का ये मतलब कतई नहीं है कि करंट डिवाइड हो जाना है, पैरेलल का ये मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, ये गलत कॉन्सेप्ट है, तब तो तुम वी टू स्टोन ब्रिज में फंस जाओगे, क्योंकि वहाँ तो करंट डिवाइड होता है, इसका मतलब पैरेलल है, वो पैरेलल नहीं होता है। पैरेलल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी सेम, करंट का डिवीजन होना ही पैरेलल नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? पर यहाँ पे दिखता नहीं है, तो सुनो कैसे देखेंगे, सुनो मेथड सीख लो, ठीक है ना? मेथड क्या है, जब अपने को डायरेक्टली दिखाई ना दे तो क्या करना चाहिए, किसी एक पॉइंट को जीरो मान लेना चाहिए, जीरो वोल्ट, और दूसरे वाले पॉइंट को वी वोल्ट मान लेना चाहिए, किसी एक पॉइंट को कितना मान लेना चाहिए, जीरो, तो आप मान लीजिए बी को जीरो वोल्ट, और यस क्योंकि सब कनेक्टिंग वायर है ना, तो जीरो वोल्ट जीरो वोल्ट जीरो वोल्ट दिख रहा है। अब ए वाले को मान लो वी वोल्ट, कितना मान लो बेटा, अब देख तेरे को ए और बी के बीच में निकालना था, मतलब बेसिकली जीरो और वी के बीच में निकालना था, निकालना था ना, अब सब रेजिस्टर्स को बना दो, ये वाला किसके किसके बीच में है, जीरो और वी के बीच में बना दिए, इसको बना दो, ये किसके बीच में है, देख दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिखाई दे रहा है। अरे बात समझ में, इसको देख अभी भी जीरो भी,
तो अगेन ये कैसे है बेटा, पैरेलल में है। अगेन ये वाला भी जीरो भी, तो ये भी कैसा हो गया, पैरेलल में। कैसा हो गया, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तब तुम कह सकते हो पैरेलल में है। करंट डिवीजन हो गया इसलिए पैरेलल में नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत? बोल आंसर कितना होगा सीधा, आर बाई फोर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली अब तुम लोग निकाल सकते हो, जीरो भी मानने की भी जरूरत नहीं, दिख जाएगा। अभी इसको मत ही उतारना, तेरे लिए कष्टकारी हो जाएगा। ये वाला उतारना क्यों? हो गया, हमको समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए आगे बढ़े। अब सुनना, इस सवाल को करो। बताओ ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट। सॉल्व करो। सूरज तेरे को दिख रहा है क्या? अंकुर ट्राई करो। सीरीज पहले डायरेक्टली दिख रहा है तुमको? डायरेक्टली नहीं दिखता है, तो जीरो वी मान लेना चाहिए। किसी एक पॉइंट को जीरो वोल्ट, दूसरे को वी वोल्ट, और जहाँ जहाँ जीरो और वी से तुम पॉइंट लिख सकते हो लिख लो, उसके बाद एक जीरो और वी और हर रेजिस्टेंस को पुट कर दो, अपने आप सब दिखाई दे जाएगा। आओ साथ में करते हैं, या फिर कर सकते हो तो करो ट्राई, करो ट्राई करो, कर से आगे क्या आंसर मेरे को बताओ। पहले देखो इधर तीनों, अंकु इधर आओ, नीचे जीरो मान। चलो कोई बात नहीं, डायरेक्टली सीरीज पैरेलल में दिख रहा है क्या तुमको? नहीं दिख रहा है ना, तो सिंपली क्या करना चाहिए बेटा, किसी भी एक को जीरो मान लेते हैं, ए या बी पॉइंट हो, किसी एक को जीरो मान लो। तो यहाँ जीरो मान ले क्या, इसको जीरो, तो पक्का देखो कनेक्टिंग वायर है, तो ये भी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। इसको वी मान लो, तो ये वी, ये वी, ये वी, ये वी। अब तो देख सकते हैं ये वाला रेजिस्टेंस जीरो वी के बीच में ही है, ये वाला रेजिस्टेंस जीरो और वी के बीच में ही है, ये वाला भी जीरो और वी के बीच में, मतलब एक्चुअल में तीनों कैसे हैं, पैरेलल। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आर बाई थ्री। अरे बात समझ में क्या, क्या वो जो पहला दोनों ये वाला इसके साथ पैरेलल कैसा है, नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा। दोनों का हो गया, फिर वो वाला उसके साथ जीरो वी मेथड समझ में आया कि नहीं? अगर हम इसको जीरो लिखे तो ऐसे ऐसे पूरा जीरो लिख सकते थे, ये वी तो ऐसे ऐसे पूरा वी लिख सकते थे। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है तेरे को, वी दिखाई दे रहा है ना, वी माइनस जीरो, इसके अक्रॉस वी माइनस जीरो, इसके अक्रॉस भी वी माइनस जीरो। रुको रुको रुको, एक ये तरीका है देखने का, दूसरा तरीका देखो, इधर देखो रीतिका, दूसरा तरीका देखो ध्यान से, अगर दिख जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं दिखे तो जीरो वी मेथड मानना। इसको पकड़, दिख रहा है बेटा, पकड़ के इसको यहाँ ला के चिपका दे, इसको पकड़, पकड़ के ऐसे लाओ और इसको यहाँ पे इस पॉइंट को चिपका दे। अगर चिपका देगी तो देखिए ऐसा दिखाई देगा, आ जाएगा क्या, इसको पकड़ यहाँ ला के चिपका दे, देख तो पैरेलल में दिखने लगा तीनों। कहाँ चिपकाने, बीच में कोई रजिस्टर है क्या तो चिपका सकते हो, बीच में कोई बैटरी है क्या तो चिपका सकते हो। ये तुमको बुद्धि लगाना पड़ेगा, किसके किसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये मेरे को दिखने लगता है क्योंकि मुझे पता है जीरो वी मेथड एक्सपीरियंस के साथ, तेरे को नहीं पता तो पहले जीरो वी मान के सॉल्व कर। जैसे तू बहुत सारे सवाल सॉल्व करोगे ना, अपने आप तेरे को सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है,
तो ये चिपकाना मत तभी करना, तुम नॉर्मल जीरो वी मेथड से करो। हो गया, अब कुछ और सवाल करते हैं। देखो ये करो, देख तो वैसा ही सवाल है क्या, पर थोड़ा सा अंतर है। हाँ बनाओ, ट्राई करो जीरो वी मान करके। करो ट्राई, जीरो मान लिए, कहाँ माने जीरो, हाँ तो जीरो जीरो हो गया। यहाँ पे वी मान, तो यहाँ पे वी मान सकती है, यहाँ वी मान सकती है, अब यहाँ वी नहीं मान सकती है क्योंकि बीच में रजिस्टर आ गया। यस, अब यहाँ एक्स, अब पॉइंट प्लॉट करो, जीरो भी जीरो, बीच में कहीं पे वी, अब बीच में एक्स भी तो आ गया ना बीच में, तो एक्स को बीच में रख कहीं पे। अब हर रजिस्टर को बना दे किसके किसके बीच में देख ले। हाँ वैसे लाइन मत बनाओ, लाइन दिखा, तुम भी जो लाइन बना दी थी ना वो लाइन कनेक्टिंग वायर को दिखा दे रहा है, वैसे नहीं बनाना चाहिए, बस जीरो भी दिखाओ। देखो यहाँ पे, हाँ देखिए आपको कैसे बनाएंगे बेटा, एक ही बात हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, एक्स माइनस जीरो। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, किसी एक को जीरो मान बेटा, किसको मानना चाहता है, ए को कि बी को, दो पॉइंट है ना, एक ए और बी के पॉइंट, बी के बीच में निकालना है ना आर इक्विवेलेंट, तो ए का जीरो पोटेंशियल मान सकता है या बी का, किसका माने, ए का मानते हैं। चल तो ये जीरो हो गया, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इसका वी मान लिया बेटा, नहीं ये भी, ये वी, क्या इस वी के बाद ये वी लिख पाएगा तुम, यहाँ पे कुछ और मानना पड़ेगा, एक्स एक्स है ना। अब कैसे करेंगे, देख इधर सब कोई, यहाँ देखो जीरो और भी के बीच में निकालना है ना, लेकिन बीच में कौन आ गया, एक्स भी तो आ गया है ना, तो एक्स को भी लिख दो। अब हर एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दो, ये किसके किसके बीच में, जीरो और एक्स के बीच में, तो जीरो और एक्स के बीच में बना दे ऐसे, आ गया बेटा। अब इस वाले को प्लॉट कर, जीरो और एक्स के बीच में अगेन, तो क्या पैरेलल में बना दोगे, आ गया, इसका भी काम खत्म। इसको देख किसके बीच में, जीरो और, जीरो और भी के बीच में, एक मिनट बेटा, ये वाला किसके बीच में है, देख एक्स और वी के बीच में, अब देख जीरो और वी के बीच में दिख रहा है सब कुछ, ये आर आर, आर बाई टू और आर, थ्री आर बाई टू और थ्री आर बाई टू और आर पैरेलल में सॉल्व कर दे जो भी आंसर आएगा, कितना हो जाएगा, वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन बाई आर टू बाई थ्री आर, ऐसा ना, अब जो भी हो कितना आंसर आ रहा है देख, तो थ्री प्लस टू ऐसा क्या, तो आर की वैलेंट कितना आ गया, थ्री आर बाई फाइव, ये ना थोड़ा सा खींचा के देख, तो फ्लाइट मोड ऑन है ना आज भी हल्का सा, ठीक समझ में आया कैसे करना है, एक पॉइंट पे जीरो, दूसरे पॉइंट पे भी सॉल्व करना है, अगर किसी पॉइंट पे नहीं लिख पाए तो एक्स मान लेना है, उसको बीच में रख करके ऐसे देख लेना है। अब ये वाला सवाल करिए, सबसे बन जाएगा। हाँ सॉरी, हाँ तो रख लो, तो कचरा फिगर बनेगा, गंदा सा फिगर बन जाएगा, लेकिन दिख जाएगा जरूर। हाँ इधर बनाओगे ना तो ये ऐसे खींचा हुआ टाइप दिखाई देगा, अच्छा नहीं दिखेगा बस डायग्राम, ये मेरे को एक्सपीरियंस के साथ दिख गया है कि अगर बीच में बनाओगे तो मस्त डायग्राम दिख रहा है, तो बीच में बनाते हैं। चलो वो ट्राई करो, वायर ही नहीं है तो वही तो चाहिए, यहाँ पे हम बैटरी लगा के इन लोगों को पावर देने वाले हैं ना, शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है, कनेक्टिंग वायर जोड़ देना, कहाँ कोई वायर है, ए और बी के बीच में यहाँ क्या वायर था, ऐसे कोई भी दो पॉइंट के बीच में हम पूछ सकते हैं ना, तो ये दो पॉइंट के बीच में पूछ रहे हैं, बताइए
जीरो किसको मान लिया था, बी वाले को, तो एक वाले को वी मान पहले मान। चल अब इस पॉइंट को तो कुछ नहीं मान पा रहा ना, एक्स मान ले, अब नॉर्मल तरीके से ड्रॉ कर दे, हो जाएगा आंसर। अंदर वाले को एक्स मानेंगे, अंदर वाले को ही मानना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन थोड़ी है। हाँ अरे ये पॉइंट एक्स है, तो ये पॉइंट भी कुछ और लेना, कुछ नहीं मेरे को, कौन सा जी, ये वाला जीरो माने थे ना। हाँ। इसको जीरो क्यों माने हैं, एक मिनट, ए और बी के बीच में निकालना है ना। हाँ तो ठीक है ना, ये सब जीरो है, यहाँ बी है। हाँ यहाँ एक्स। हाँ ये वाला इसको कुछ और मानना पड़ेगा, वाई मान ले, तो फिर एक्स और वाई के बीच में प्लॉट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा और मज़ेदार सवाल बन गया, वैसे कुछ और मज़ेदार सवाल बन गया ये। आ जाओ ये मेरे साथ करो, ये मेरे साथ कर लो, वैसे ये भी ठीक है, आसानी है, कोई टफ नहीं है ज़्यादा, करे चल, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे मानोगे या तुम्हारी तरह माने। तुम ए को क्या माने थे, वी मान लिए थे, बी को बी को एक्स मान लिए थे, ठीक है, और इसको जीरो, तो जीरो 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 किसी को मानो, एक ही बात, हाँ मिडिल और वाई मान लो, ठीक है मान लिया, रुक जा रुक जा रुक जा, चलो बेटा मेरे को किसके किसके बीच में निकालना है, ए और बी, मतलब बी और एक्स के बीच में ना, तो बी और एक्स को सबसे किनारे किनारे रख दो, क्योंकि इन्हीं के बीच में निकालना है। चल अब सुन, अब एक एक को सेलेक्ट करते आराम से। अच्छा बीच बीच में कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, एक जीरो भी आ रहा है और एक वाई भी आ रहा है ना, तो जीरो ऐसे ले ले यहाँ पे और वाई यहाँ ले ले, ठीक। अब प्लॉट करते हैं, देखते हैं, पता नहीं कैसा डायग्राम बनने वाला है। ये वाला देख तो बेटा, ये किसके किसके बीच में है, जीरो और एक्स, ऐसा ठीक। इसको देख, वाई और भी के बीच में ऐसा, ठीक। ये वाला जीरो और वाई के बीच में, जीरो और वाई के बीच में, अरे बाबा ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनने जा रहा है, ये तो टफ सवाल हो गया तुम्हारे लिए। खैर ये वाला जीरो और वाई के बीच में, जीरो और वाई के बीच में, हाँ तो ठीक, तो पैरेलल हो जाएगा क्या ऐसे, ठीक रुक जा। ये वाला जीरो और वाई के बीच में, हम लोगों को किसके किसके बीच में निकालना था, हाँ तो ठीक है ना। इसको थोड़ा सा उठा करके ऐसे ऊपर रख देते हैं, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर उठा के रख दो तो अच्छा दिखाई देने लगेगा। कौन सा था रे, ये एक्स था ना, और इसको नीचे रख दे, ले अब देख दिख रहा है, अच्छा एक्स और बी के बीच में निकालना अपने को, ठीक है। ये कितना हो गया, आर बाई थ्री, आर टू आर जोड़ दे, आर बाई थ्री, और ये सब की फिर सीरीज में आ जाएगा ना, तो आर बाई थ्री प्लस टू आर कितना, ठीक तो है, नॉर्मल सवाल है, कितना आ गया, सेवन आर बाई, इतना आया था पवन, नहीं फर्स्ट में उतना आया था, बट फिर गलत करके हम, खैर ठीक है ना, समझ में आया ना, नहीं 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 गड़बड़ है, बढ़िया सवाल बन गया था वैसे, गलती से हुई। सेवन आर बाई फाइव ना, तीन दीच जाएगा, सिक्स आर प्लस आर, सेवन आर बाई थ्री, टू आर, आर प्लस आर सीरीज में, ये दोनों भी तो है ना सीरीज में। चलो ये सवाल बनाओ, हाँ उतार लेना, सर आर बाई थ्री प्लस वन बाई आर प्लस वन बाई आर टू फाइव बाई थ्री आर आ रहा है, एक मिनट, आर 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 कितना होगा पैरेलल में जोड़ोगे तो, आर बाई थ्री प्लस आर प्लस आर सीरीज में हो गया ना फिर तीनों, आर बाई थ्री प्लस आर कितना होगा जोड़, आर बाई थ्री प्लस होगा, थ्री
3, 5, 7 आर हो जाएगा ना इक्विवेलेंट। अरे भाई सीरीज में है ये सब। ओ हाँ सर, सीधा जुड़ेगा ना। चलो करो वो। ठीक है बता लिया है ना। ए और बी के बीच में निकालना है आर इक्विवेलेंट। जीरो और जीरो के बीच में कहाँ कोई आएगा ही नहीं ऐसा। नहीं, आ गया आंसर पवन। हाँ सब आर है। कौन बाहर है? सब आर है। हाँ सब आर आर है। सवार कितना? मतलब 5 R/6 ऐसा। तेरा कितना आ रहा है? 3 R/2 + R/2। तो इसको जोड़ने में दुख हो रहा है कि 2 R नहीं होगा ये? इसको जोड़ने नहीं आ रहा गधू। 1.5 R + 0.5 R 2 R होता है। तेरा भी 2 R आया लग रहा है। तेरा आंसर आर है। वाह जियो मेरे लाल पीले सबका आंसर अलग अलग। अंकुर तू भी बोल। पवन तेरा भी कुछ अलग है तो बोल ही दे। अबे तो 2 R बोलो ना बदतमीज हूँ। सर जो उस दिन आप बताए थे ना वही हमको लग रहा है वही गलती कर रहे हैं। देख लेते हैं देख लेते हैं यहाँ देख लेते हैं। आओ मैं मान लेता हूँ इसको भी इसको जीरो। ये जीरो तो ये जीरो। अच्छा ठीक है ना हमको करने दो ना। हम इसको जीरो मान लेते हैं तो ये जीरो हो गया। ये वी मान लेते हैं। इसको कुछ मान पाएंगे? एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे जीरो और वी के बीच में मेरे को निकालना था। एक्स को बीच में रख लेते हैं। अब मैंने बोला ना कि डायग्राम अच्छा दिखता है। साइड में रखो तो कचरा दिखेगा। इसको उठा ले जीरो और वी के बीच में बना दिए। इसको जीरो और एक्स के बीच में, इसको बी और एक्स के बीच में, इसको जीरो और कहाँ है जीरो और बी। ठीक है भाई बचा है कोई? खत्म हो गया ऊपर जीरो और एक्स के बीच में ये ना हो गया। देखो ये दोनों का सॉल्व करो R/2
और ये वाला भी R by 2। अब सुन, ये R by 2 और ये R सीरीज में 3, हाँ सीरीज में है तो कितना हो जाता, 3R by 2 और ऊपर वाला जो 2R है, R by 2 है वो, ये दोनों क्या पैरेलल हो जाएंगे? Yes. तो पैरेलल हो जाएंगे तो सॉल्व कर दे, 1 by R equivalent equals to, उल्टा करके जोड़ दे, 2 by R plus 2 by 3R, तो 3R ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 plus 2 तो R कितना हो गया, 3R by 8। बदतमीजो, किसी का सही आंसर नहीं है सर, वही चीज़ है, अरे तो पैरेलल में है तो तुमको पता होना चाहिए ना, सर आ गया था पहले, ठीक कोई बात, जैसे हम सिखा रहे वैसे सीखा करो, हाँ सही बनाया बिल्कुल, डायग्राम से बिल्कुल सही है, कैसे सीरीज में हो गया गधू, यहाँ से कोई अगर तो बैटरी यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेगा, यहाँ पे ऐसे बैटरी तो करंट मान ले इधर से घुसेगा तो जितना इसमें जाएगा उतना इसमें चल जाएगा, कैसे सीरीज में हो गया, सीरीज में तो बिल्कुल नहीं है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल, फिर ये दोनों पैरेलल, फिर ये दोनों सीरीज, फिर इसके बाद पैरेलल, समझ में आया, तो डायग्राम बिल्कुल तो सही बनाया था, सॉल्व गलती कर दिया बस, डायग्राम तो तेरा तो डायग्राम हम देख ही रहे थे, बिल्कुल सही है डायग्राम, ठीक है हो जाएगा। अब आ जाओ, ये कैसा सवाल था, सीरीज पैरेलल का ही सवाल था बट हमें दिखाई नहीं देता है, तो अपने को बुद्धि लगाना पड़ता है जीरो वी मेथड से, है ना। एक और सवाल था जो छूट रहा है, हाँ नहीं 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 इसी में देखो, सुन लो, देखो यहाँ पे अच्छा बता, हाँ इसे कुछ सिखाना चाह रही, ईजी नहीं एक्चुअली, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आर यू कितना होगा, ठीक है कैसे पता, क्योंकि वो भी सही चला जाएगा, यस सर, तो फिर नीचे ज़्यादा काबिल मत बताओ, फार्मूला से बताओ मेरे को, जहाँ पे सर जिस वायर पे सीधा चला जाएगा रहता है उस पे वो मतलब बहना चाहता है, बहना चाहता है, कौन बोला तुमको, ये करेंट बोला, कैलकुलेशन से बताओ कैसे आर इक्विवेलेंट जीरो है, सर वहां जीरो तो बीच में जीरो उधर जीरो, ये बीच में कनेक्टिंग वायर है, तो रिजल्टेंट इसका रेजिस्टेंस कितना माना जाता है, जीरो माना जाता है कनेक्टिंग वायर का, तो इसका आर है, इसका जीरो है, इसका आर है, तो क्या तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला अगर हम बैठाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 by R plus 1 by R plus 1 by 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 by 0 इन्फिनिटी, तो R बराबर 1 by infinity इज जीरो, ऐसे बोलना है, ज़्यादा काबिल नहीं बनना शुरू में कि बह जाएगा इधर से बह जाएगा, अब हम काबिल बनेंगे, सुन ध्यान से, सबसे पहले ये फार्मूला से आपको दिखाना चाहिए कि R इक्विवेलेंट यहाँ जीरो होता है, ठीक, R इक्विवेलेंट जीरो होने का मतलब है कि करंट कैसे बहेगा, कनेक्टिंग वायर से, कैसे बहेगा, अब यहाँ पे बाद में देख, पहले मैंने बोला ना कि साइंस में पहले ऑब्जर्वेशन देखा जाता है, बाद में साइंटिस्ट लोग एक्सप्लेन करता है कि हो सकता है ऐसा होता होगा, और ये तब तक सही साबित होता रहता है जब तक कोई इसको काट ना दे, जब तक कोई इसको कॉन्ट्राडिक्ट ना कर दे, आ रही बात समझ में, तो लोग क्या बोले कि ऐसा हो सकता है कि देखो करंट जब इधर जाएगा ना तो इधर रोकने वाला है इसको, इधर कोई रोकने वाला नहीं है तो इधर से निकल लेगा, तो इधर तो कोई रेजिस्टेंस उसको फेस करना ही नहीं पड़ा, तो उसको R इक्विवेलेंट कितना हुआ, जीरो। इसी मेथड को बोलते हैं बेटा शॉर्ट सर्किटिंग मेथड, क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट, तो लिखो जरा कॉन्सेप्ट किट फॉर्म में लिखो, शॉर्ट सर्किट नहीं बताओ मत अभी, लिखो ना शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, चलो देखो इधर
शॉर्ट सर्किट को कैसे किताबों में लिखा रहता है, कॉन्सेप्ट तो तेरे को मैं बता ही दिया, किताब में कैसे लिखा रहता है देख ले। ऐसे दिया रहता है, एक रेजिस्टेंस ऐसे बना देगा और बोलेगा कि अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई सिंपल कनेक्टिंग वायर लगा दिया जाए, सिंपल कनेक्टिंग वायर ऐसा जिसका रेजिस्टेंस अपन क्या मान ले बेटा, जीरो। क्या मान ले? जीरो। तो जो भी करंट इधर से आएगा ना बहते हुए, वो करंट इधर ना जा करके चुपचाप इधर निकल लेगा। इसी प्रोसेस को शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग नाम दे दिया गया है, क्योंकि ये इसका पाथ शॉर्ट हो गया। इधर से जाता तो काफ़ी तकलीफ झेल करके जाता, वो रेजिस्टेंस फेस करके जाता, हीट लॉस करके जाता। हाँ, अरे एक्चुअल में आइडियल कुछ है ही नहीं, हम लोग आइडियलाइज फिजिक्स पढ़ते हैं, बताया प्रोफेसर साहब गलत पढ़ते हैं। यस, हाँ ज़्यादा लंबा है ये तो, कुछ ना कुछ रहता है, पर हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि उसका रेजिस्टेंस एकदम कम है, और एक्चुअल में कोई ऐसा वायर हो ही नहीं सकता जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। तो अपन आइडियलाइज्ड फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो कि सत्य नहीं, सच में कुछ नहीं होता है। एक्चुअल होता क्या है ना कि इसमें से ज़्यादा करंट बहता है, मान लीजिए 100 एम्पियर करंट बाहर है, तो यहाँ से गया 0.001 एम्पियर और यहाँ से गया 99.9999 एम्पियर, तो तुम लगभग लगभग नहीं कह सकते हो कि 100 एम्पियर इधर ही से पास कर गया। तो इसके कंपैरिजन में इधर मैक्सिमम करंट चला जाता है, तो लगभग लगभग हम कहते हैं कि सारा करंट इधर से ही चला गया, ऐसा होता है। एवरीथिंग इज बताएंगे, एवरीथिंग इज रिलेटिव टू वन अनदर। बता देखिए, इनफाइनाइट शब्द कुछ नहीं होता है, इनफाइनाइट ये हाथ भी हो सकता है अगर हम बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में निकाले, तो यहाँ भी इसका रेजिस्टेंस एक्चुअल में जीरो नहीं है, इसके रेजिस्टेंस के सामने इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, जिसके कारण इधर से करंट मैक्सिमम बह गया, इधर से बहुत कम बहा, तो हम ऐसा कहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब सारा का सारा करंट इधर ही से बह गया। आ रही बात समझ में? तो अपन अगर मान ले कि 100 में से 99.999 एम्पियर करंट बह गया, तो हम अपन कह सकते हैं आम भाषा में कि भाई 100 एम्पियर पूरा का पूरा ना इधर ही बह गया। अरे बस समझ में, पैरेलल में कनेक्टेड रहता है तो करंट तो उस वाले वायर से ज़्यादा जाता है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, तो इसमें एम्पियर सबसे ज़्यादा इधर से जाएगा, इधर से बहुत कम जाएगा। अरे बस समझ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो ये तो है ही ना, ओम्स लॉ तो यही तो कहता है वी इक्वल्स टू आई आर। अगर ये कांस्टेंट है, ये दोनों में कांस्टेंट होता है कि नहीं पैरेलल के केस में, तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हाँ, तो ये तो पहले से ही जान रहे हैं हम लोग, तो क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बड़े आगे लिख लो, लैंग्वेज में लिख लो, बोर्ड वोर्ड में पूछता है। व्हेन अ सिंपल कंडक्टर ब्रैकेट में लिखना ऑफ रेजिस्टेंस जीरो, ब्रैकेट क्लोज्ड, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टर देन ऑल द करेंट पासेज थ्रू this connecting wire। अब सुन लो, इसके बाद लिखना this connecting wire। इसके बाद रुक जाओ थोड़ा सा, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सुनो। और क्या होता है बेटा कि इस इधर ही से ज़्यादा पास कर जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, तो सारा करंट लगभग लगभग इधर ही से पास कर जाता है, तो इसका कोई यूज रह गया क्या? इसका कोई यूज नहीं रहेगा। मान ले तो यहाँ पे बल्ब लगा के खड़ा है, सारा करंट इधर ही बह गया, बल्ब जला ही नहीं, तो बल्ब का कोई यूज नहीं रहेगा, तो ये वेस्ट हो जाता है, ये यूजलेस हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस या इस पूरे मेथड को ही क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग या शॉर्ट सर्किट। अरे बात समझ में, क्या बोलते हैं बाबू? शॉर्ट सर्किट। लिख लो, क्या कहाँ तक लिखा था? पासिंग थ्रू दिस कनेक्टिंग वायर एंड देन रजिस्टर बिकम्स यूजलेस and then register becomes useless। Full stop बाद लिख लो, this phenomena is known as short circuiting।
कर सकते हैं, दिखा रहे हैं कहाँ होता है, बता रहे हैं। यूज ही क्यों करेंगे? कई बार हम लोग को रजिस्टर को बचाना भी होता है। जैसे कई बार सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट अपन इस्तेमाल करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो उसमें ज़्यादा करंट पास ही ना करे, एकदम कम करंट पास करे ताकि वो बचा रहे। ज़रा भी करंट ज़्यादा जाएगा तो उड़ जाएगा वो। तो कई सिचुएशन में हम लोग को उसको बचाना रहता है। फ्यूज तो काम करता है पूरे घर के बिजली को, मतलब इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बताएंगे वो जब हीटिंग इफेक्ट पढ़ाएंगे, तो दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट। कई सारा एक सेंसिबल, मतलब क्या बोलते हैं, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसको बचाने के लिए ऐसा करा जाता है। ऑटो स्टेबलाइजर में ये सब लगाया? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब में यूज आता है ये सब का। अरे बात समझ में? अच्छा, तुम लोग बचपन सुने होगे कई बार कि घर में ना आग लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया था। ऐसे क्यों होता है पता है? तुम देखा होगा घर में कभी लाइट वाइट खराब होता है तो तार वार देखे हो, बनाते हो घर में कभी? तुम देखो जो तार ऐसे ऐसे लपटा रहता है ना एक दूसरे में, लाल और काला वाला जो तार रहता है, उसको ऐसे खोलेगा तो देखेगा एक दूसरे में चिपका हुआ था अंदर वाला कॉपर वायर। तुमने बोलते कि शॉर्ट सर्किट हो गया था, मतलब एक्चुअली चिपक जाता है ना, तो करंट जो ऐसे ऐसे बैक करके वापस आना था बीच ही में फ्लो कर जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। तो बीच में फ्लो कर जाता है ना, तो करंट इतना ज़्यादा फ्लो कर जाता है, अगर इसमें से फ्लो करे तो बहुत ज़्यादा करंट पास कर जाएगा ना अचानक से। करंट इतना हेवी अमाउंट में फ्लो कर जाता है ना कि अचानक से हीट जनरेट हो जाता है, और हीट जनरेट हो जाता है तो आग लग जाता है। आग लग जाता है तो प्लास्टिक का रहता है। हाँ, तार नहीं देखी हो जीवन में कभी? नहीं, ये तो फिर भी अच्छा दिख रहा है। ये इस तरह का तार नहीं देखो बेटा, ऐसे लपेटा रहता है काला लाल। yes, so, ऐसे तार रहता है, रुको। हाँ यस, ट्विस्टेड। अब ऐसे अंग्रेजी में बोलेंगे तब ना, ऐसे ऐसे नहीं रहता है वायर। तो तुम देखोगे कई बार ना, ये मरकरी जो घर का तार खराब हो गया, लाइट जली नहीं रहा है, तो ऐसे सब खोल करके देखोगे तो दिखता है ना कि यहाँ का प्लास्टिक ऐसे गल गया था, इसका भी प्लास्टिक गल गया था, और अंदर का एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट बना लिया है कॉपर वायर। तो बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया था इसलिए उड़ गया बल्ब। तो होता क्या है, ये काले वाले में करंट ऐसे जाना चाहिए था पहले पूरा, फिर बल्ब से पास होकर के लाल वाले से वापस जाना चाहिए था, तब सर्किट कंप्लीट होता है तो बल्ब जलता है। बीच में यहाँ पे कॉन्टैक्ट बन जाता है ना, तो बीच ही में से निकल लेता, तो वहाँ बल्ब तक पहुँचा ही नहीं करंट। अरी बात समझ में? जो बल्ब जलेगा तो बीच ही में से भाई साहब करंट यहाँ पास करके निकल गया, तो अचानक से इतना जोर का करंट बहता है कि हीट जनरेशन होता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हीट जनरेशन होता है तो प्लास्टिक क्या हो जाता है, गल जाता है, उसमें आग लग जाता है। आग लगता है तो पूरा पूरा घर जला देता है। जब भी तुम देखोगे, जाओगे इलेक्ट्रिसिटी वाले दुकान में, तो 10 तरह का तार लटकाया रहता है। ये भैया 10 रुपये मीटर, 20 रुपये मीटर, 30 रुपये मीटर, तो किस पे रहता है, डिफरेंट क्वालिटी ही रहता है, जो सब कवर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अंदर वाला तो मटेरियल लगभग सेम ही रहता है कॉपर वायर, बाहर वाला क्वालिटी पे डिपेंड करता है। देखना जो पतला, जो सस्ता वाला रहता है एकदम मस्त पतला रहता है, और ये वाला देख इसका अच्छा क्वालिटी है थोड़ा, क्यों, क्योंकि ये वाईफाई वाला कनेक्शन है, तो इसका मटेरियल अच्छा रहता है, ब्लैक एकदम हार्ड रहता है ऊपर वाला। अरे बात समझ में? तो उन लोग का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, कि बहुत ज़्यादा अगर हीट जनरेट भी हुआ तो जल्दी पिघलेगा नहीं, जो जल्दी पिघल जाएगा, जल्दी मेल्ट कर जाएगा तभी ना टच करेगा। तो हाई मेल्टिंग वाला प्लास्टिक से उसको अगर तुम रैप करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा वायर बनता है। तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट हो के पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग जला देता है लोग। अरे बात समझ में? हाँ ठीक है, मत समझ में आया शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब? सवालों में कहाँ यूज आएगा ये देखते चलो। अब ये लिख लो, अभी एक सवाल के फॉर्म में लिख लो, आर इक्विवेलेंट इसका कितना हो गया बेटा, 0। अब एक दो सवाल और कराते हैं इस पर।
ए और बी के बीच में बताना है आर इक्विवेलेंट। आर बाई थ्री कौन बोला? मारेंगे गोली बदतमीज। बताओ कितना होगा? यहाँ से जाएगा करंट चुपचाप इधर निकल के इधर आ जाएगा, इधर जाएगा बेकार होगा फालतू टाइम पास किया इधर हम, जाएगा करंट इधर नहीं जाएगा, चुपचाप यहाँ से निकल लेगा भाई, बेकार का वेस्ट हो जाएगा इधर। हाँ मतलब तुम्हारे लिए नहीं जाएगा तुम इतना मान के चलो, ठीक है जाता है नहीं नहीं पूछेगा तुमसे, हम बोल रहे ना नहीं है तेरे सिलेबस में सर, आइडियलाइज फिजिक्स पढ़ना है तेरे को, बोल रहे ना तुम्हारे लिए कनेक्टिंग वायर का मतलब है जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, बस ऑलमोस्ट जीरो भी नहीं बोलेंगे तेरे लिए, बस जीरो होता है तो इतना मान, वो हम तेरे अपने थे इसलिए तेरे को बता दिए। थ्री आर ना सीरीज में हो जाएगा ना सब, सेम करंट बहेगा। पूरा को काहे सॉल्व करोगे, इधर जाएगा कर लो तुम, मर लो कोई फायदा ही नहीं है करने का, क्यों करना बाद में, तो वन बाई ये जीरो ही ना करेगा यहाँ, जो खत्म ही ना हो जाएगा उधर। हाँ यहाँ पे अगर कोई मैं रजिस्टर ऐसे ले लेता तब करना पड़ जाता, और सही बताओ फिर हम भी नहीं कर पाते क्योंकि बहुत कचरा क्या किया मेरे को खुद नहीं पता, फिर मेरे को सोच के सवाल बनाना पड़ता, इसलिए ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ। हो गया मिटाए, उतार लो उनको, इतना ही था इसमें कॉन्सेप्ट, अब कुछ नया चीज़ सीखते हैं। अच्छा हाँ एक और कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए तुमको आर इक्विवेलेंट में, बढ़िया कॉन्सेप्ट। यस देख टाइम पास नहीं करते सीधा बता देते हैं क्या बात है, बीच में रेजिस्टेंस दे दिए हैं सर? नहीं नहीं दिए हैं, वो तो ऐसे बोल रहे अगर दे देते तो क्या होता। आ बेटा बोल, ए और बी है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, ये भी आर है, बोल ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट। रुक जा थोड़ा सा और आसान तरीके कर देते हैं, ये 2R है और ये भी 2R है, चल बोल अब आर इक्विवेलेंट, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट। हर सवाल में कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखिए, बोलिए ए और बी के बीच में कितना होगा आर इक्विवेलेंट? ये 2R क्या हो गया, इसका क्या हुआ ये बता मुझे, बाकी सब तो ठीक है, वो आर जो लटका हुआ है उधर हवा में उसका क्या हुआ, वो कैसे सीरीज में पैरेलल में, वो क्या है, वो क्यों है, कहाँ से आते हैं ऐसे रेजिस्टेंस? कौन है वो, क्या सर्किट कंप्लीट हो रहा है? देख ऐसे रजिस्टर का कोई अस्तित्व नहीं है, मान ले बेटा अगर करंट यहाँ से गया तो वापस आ पाएगा क्या? करंट तभी जाएगा जब वापस आ पाएगा, आ रही बात समझ में? घर से तुमको तभी निकलने मिलेगा ना जब मम्मी इंश्योर कर ले कि तू वापस आएगा, बात समझ में आ रहा है? करंट के साथ भी यही होता है भाई, करंट यहाँ से तभी जाएगा जब ये वापस आ सकता है। अच्छा ये कोई बोल सकता है कि सर देखो करंट जाएगा 2 एम्पियर और देखेगा कि रास्ता नहीं है तो ले पीछे मुड़ लेगा? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा सेम रास्ते पे जाके वापस नहीं आता है करंट, याद रखना सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है बेटा, या अगर ऐसा कोई सवाल में दे दे तो आप उसको इग्नोर करिए, सीधा आंसर 2R 2R R R R। तो बस इस सवाल में हम यही सिखाना चाहते थे कि कोई रजिस्टर अगर ऐसा लटका उटका दिखाई दे तो उसको क्या कर देना है, इग्नोर कर, नेग्लेक्ट कर देना है। कहाँ? इधर अगर मान ली कि यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट करके रखे होते हैं तो ऐसे करंट जाता तो वापस आता ना, सर्किट कंप्लीट होता ना, ठीक है उतार ले। यस कोरोना डिस्चार्ज यहाँ से कहाँ आ गया, उतार। इसीलिए बोला जाता है देखियो ना, वो जब तार ऐसे तुम घर में बना, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लो ना किसी तरीके से कि करंट तभी जाएगा जब वापस आ पाएगा, सेम रास्ते पे करंट नहीं आता है, इतना ध्यान रखे, गया और पीछे मुड़ लिया देखा रास्ता नहीं, खाई है भाई चलो पीछे।
मतलब ऐसे रहता है, कहीं कनेक्टेड रहता ना तो ऐसे जाता और ऐसे आ जाता, पर कनेक्टेड नहीं है ना सर्किट, नहीं आ पाएगा वो, तो जाएगा ही नहीं करंट एक्चुअली उधर। ठीक है, मनगढ़ंत है, मनुष्यों का मनगढ़ंत विज्ञान, कुछ पता नहीं है। पता है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन पढ़ते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द करेंट, आज तक लोगों को पता नहीं कि इलेक्ट्रॉन है भी कि नहीं है, कोई देखा है क्या इलेक्ट्रॉन को? कोई नहीं देखा है। पता है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स पे स्टडी करा जाता है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा दिखता है, वेव जैसा दिखता है, यूं इस तरीके से दिखता है, जैसे न्यूक्लियस है ना बेटा, न्यूक्लियस है ना, तो ऐसा दिखता है, बादल जैसा, बादल छाया जैसा दिखता है, ऐसा नहीं दिखता है कि एक मस्त ऐसे गोला सा इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मस्त घूम रहा है, ओए ऐसा कुछ दिखता नहीं है, ऐसा बादल जैसा दिखता है, जिसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहता है वो लोग बाद में, जब आगे जब मास्टर्स वगैरह करोगे ना तो इलेक्ट्रॉन को मतलब वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, मैं पढ़ाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जैसा दिखता नहीं है, ऐसे दिखता है बादल जैसा काला काला। अब जाता है एक्सप्लेनेशन कैसे दिया है ये लोग साइंटिस्ट लोग इसके बारे में, बुझाता कुछ है नहीं, एक्सप्लेनेशन देखो क्या दिया है ये लोग, चूंकि इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना ज़्यादा रहता है ना कि हम उसको देख ही नहीं पाते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ़ैन चल रहा है ना, तो फ़ैन देखो चलता हुआ तुमको डिस्क जैसा दिख रहा है, उसका दिख रहा है क्या डंडा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसीलिए इतना तेज़ चलता है कि मेरे को ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखता है। एक्चुअल में वो सच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो कि सच में कोई लिक्विड बह रहा है, अभी तक किसी को कोई ज्ञान है ही नहीं। 10^6 के रेंज में होता है स्पीड, तो कुछ भी है मतलब मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न साइंस का कोई माई बाप नहीं है, कब गलत प्रूव हो जाएगा कुछ नहीं पता। नोबेल प्राइज़ पे नोबेल प्राइज़ लोग लिए जा रहे हैं, फालतू का पता चलता है नोबेल प्राइज़ मिल गया बाद में पता चलता है भाई तू तो गलत था यार, बोला कि बस मिल गया प्राइज़ मिल को हम खुश हैं, मर गया वो हैं और इधर लोग हाँ हाँ पढ़ पढ़ के पढ़ते ही जाओ, गलती है एक्चुअल फिजिक्स तो किसी को नहीं पता। उसके बाद फिर लोग बोलते हैं कि अभी इतना पढ़ना बाकी है, इतना पढ़ना बाकी है, जैसे मानो भूसे के ढेर में एक तिनका के बारे में जानते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि जब इतना बाकी है तो फिर रहने देते हैं फिर कुछ कुछ इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जब पढ़ते हैं ये सब बुक्स वगैरह ना, मज़ेदार मतलब सोचने लायक, सही बात है, मॉडर्न साइंस के पास का कोई जवाब नहीं है। तुम लोग को इसका कहानी पता है क्या, दो मिनट में बताते हैं, वो सुग्रीव और बाली वाला कहानी तुम लोग को पता है? यस सर। भगवान राम छुप के तीर मारते हैं किसको? बाली को। क्यों छुप के मारते हैं इसका कारण पता है ना? क्योंकि बाली का रहता है कि जो उसके सामने जाकर युद्ध करेगा बाली के पास उसका आधा शक्ति आ जाएगा, है ना। अब भगवान तो भगवान है, उनके पास कितना शक्ति है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का हाफ कर इनफाइनाइट, तो उसके पास भी पावर कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। हनुमान जी से नहीं, सुग्रीव से जब लड़ाई हो रहा था सुग्रीव भाग गया था। अच्छा तेरे को कहानी पता समझ में आया, इसलिए भगवान जाना नहीं चाहते थे वो, वैसे भी बाली सह ही नहीं पाता क्योंकि इतना पावर वो सह ही नहीं पाता, फट जाता वो पहले, तो जाने का कोई मतलब ही नहीं था। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, खैर इसका जवाब तो नहीं है साइंस के पास। खैर चल क्या क्या सिखाए ध्यान से सुना, दो तरह का सवाल देख चुके हैं, एक जिसमें सीरीज पैरेलल डायरेक्टली हम लोग को दिखाई देगा, ठीक है पहले सर 12th पास कर ले फिर देखेंगे क्या करना है, ठीक। उसके बाद दूसरा जिसमें सीरीज पैरेलल होता है पर दिखता जीरो मानो भी मानो सॉल्व करो, अगर जिस पॉइंट का पोटेंशियल ना मान पाओ एक्स मान लो, एक्स को हमेशा बीच में रखो तभी डायग्राम अच्छा दिखाई देगा। अरे बात समझ में। अच्छा इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट और सीखिए कि कोई कनेक्टिंग वायर बीच में अगर आ गया तो करंट वहीं से पास करेगा, बाकी का सब रेजिस्टर बेकार हो जाएगा। इस मेथड को ही शॉर्ट सर्किटिंग मेथड कहते हैं। बाहर कोई रेजिस्टर लटका लटका हुआ टाइप दिखाई देगा तो वो वेस्ट हो गया, उसका कोई यूज नहीं रहेगा, उसको आप इग्नोर करें। अरे बात समझ में। अब तीसरा सवाल होगा जो सीरीज पैरेलल एक्चुअल में होता ही नहीं है तब कैसे सॉल्व करें उसके बारे में देखते हैं, है ना। जिसको बोलते यस होता है, जिसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप थर्ड लिखो, टाइप थर्ड मन ही मन आपको याद रहे कि कैसा सवाल है। अब
जो पहले दो फेल हो गया है, मतलब ना तो सीरीज पैरेलल एक्चुअल में है। पहला सवाल कैसा था, जो दिखता था, दूसरा में जो होता था पर दिखता, अब एक्चुअल में है ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से। आ रही बात समझ में? टाइप थर्ड लिखो, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज टॉपिक का नाम नीचे। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। आओ देखो, इसको दो तरीके से बनाया जाता है, किताब में जैसे बनाते हैं हम नहीं बनाएंगे, पहले नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, ध्यान दो। डब्ल्यू एच ई ए टी गेहूँ वाला, गेहूँ पत्थर, व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूँ पत्थर पल, व्हीट स्टोन ब्रिज नाम क्यों ऐसा दिया भगवान जाने, दिमाग खराब रहता ना उन लोगों का। व्हीट स्टोन ब्रिज इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि किसी भी सर्किट में करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है। एक्चुअल में सेंस करता है वो कि करंट बह रहा है कि नहीं। गैल्वेनोमीटर लेबोरेटरी में यूज कराएगा तुम लोगों को, वो है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, एकदम भयानक हो रहा है, इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे हो तुम। हाँ सब बताएंगे, पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे जस्ट कि क्या यूज है। पोटेंशियोमीटर पे तुम लोग का एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा, पोटेंशियोमीटर पे ना, हाँ मीटर ब्रिज पे, पोटेंशियोमीटर सब पढ़ा देंगे, सब व्हीट स्टोन ब्रिज पे ही है बेस्ड। एक्चुअल में वो क्या करते हैं ना, जॉकी इधर उधर घुमा करके गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन जीरो दिखाना चाहते हैं, ताकि हम लोग सामने सामने वाले रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन बराबर दिखा सके और रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सके। बस एक दो लेक्चर में सब क्लियर हो जाएगा। हाँ 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 सब बता देंगे, एक दो लेक्चर में सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। हालांकि तेरे सिलेबस से हटा दिया ये, पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट करना है बस। अच्छा, एग्जाम से हटा दिया, खैर ठीक है। देखो ये चार रजिस्टर है, एक और रजिस्टर बना रहे बीच में, इसका नाम आर नॉट दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते थे। यहाँ पे पॉइंट ए है बेटा और यहाँ पे पॉइंट बी। ए और बी देने का क्या मतलब है सर, कि देखो इन दोनों के अक्रॉस ना हम बैटरी जोड़ने वाले हैं, कोई भी पावर सप्लाई देने वाले हैं, तो करंट ऐसे जाएगा और बैटरी से निकल के फिर इधर आएगा। अरे बात समझ में? चल बता तो, ये आर वन आर टू सीरीज में है क्या? नहीं सर। करंट ऐसे जाएगा तो कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, सो आप नहीं कह सकते कि ये दोनों सीरीज में है। ठीक, आप ये कह सकते कि ये दोनों पैरेलल में है। देख बेटा, अगर तू जीरो वोल्ट यहाँ मानती है तो इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, तो इन दोनों रेजिस्टर का एक एंड का पोटेंशियल जीरो वोल्ट तो हो गया, पर तुझे पक्के से पता है कि इसका वोल्ट पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम रहेगा? नहीं, नहीं पता, तुझे नहीं पता यहाँ कितना करंट बह रहा है, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा तुझे थोड़ी पता है? सेम रहता तब ना दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता, सो यू कैन नॉट से कि ये और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो ना तो ये दोनों पैरेलल में है, ना तो ये दोनों सीरीज में है, ये ना तो सीरीज में है ना तो पैरेलल में है, कभी नहीं। तो कैसे सॉल्व किया जाए, अब वो सुनो। सबसे पहली बात कि सबसे पहली बात कि ऐसे नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स को बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? द नेटवर्क ऑफ फाइव रेजिस्टर्स एज शोन इन डायग्राम इज नॉन एज व्हीट स्टोन ब्रिज। सबसे पहला लिखो डेफिनेशन, द नेटवर्क ऑफ फाइव रेजिस्टर्स, द नेटवर्क ऑफ फाइव रेजिस्टर्स, नेटवर्क नेटवर्क गुच्छा, द नेटवर्क ऑफ फाइव रेजिस्टर्स एज सोन इन डायग्राम, द नेटवर्क ऑफ फाइव रेजिस्टर्स एज सोन इन डायग्राम, एज सोन इन डायग्राम इज नॉन एज, इज नॉन एज व्हीट स्टोन ब्रिज इज नॉन एज। यस बता रहे, बता रहे हैं, गैल्वेनोमीटर भूल जाओ अभी, तुम्हारी स्कूल वाले गलत पढ़ाते बेटा, हम बोल रहे हैं ना, हम बताएंगे गैल्वेनोमीटर क्यों लगाते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगाते हैं क्योंकि उनको वही कराना है सिर्फ। एक्चुअल में दिस इज द व्हीट स्टोन ब्रिज। अब वहाँ गैल्वेनोमीटर हम लगाए चाहे कुछ भी लगाए, उससे क्या, वो रेजिस्टर है ना, गैल्वेनोमीटर के पास भी तो अपना रेजिस्टेंस होगा, कुछ भी लगा सकते हैं वहाँ पे।
अभी तक ठीक है यहाँ पे। ऐसे पांच रजिस्टर का गुच्छा अगर आप देखते हैं तो आप उसका क्या नाम दे सकते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको बनाने का एक और तरीका है, जल्दी। हाँ बिल्कुल, ग्राफ, यस, बना लिए। इसको ऐसे भी बना सकते हैं बाबू, इसी डायग्राम को जो किताबों में जनरली दिया रहता है, हालांकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ रुक जाना, बनाना मत अभी, पहले समझ लो। देख तो बाबू, इन दोनों में कोई डायग्राम में अंतर है क्या? अरे बस हम इसको सीधा बनाए हैं और इसको टेढ़ा बना दिए है, तो रजिस्टर सी है ना, तो ऐसे भी बनाते हैं। तो आप इसको भी बना लीजिए ताकि आपको नया ना लगे कुछ, जनरली किताब में यही दे देता है, पर डायग्राम दोनों एक ही है। हाँ डेरिवेशन समझ में नहीं आया था, आ गया था ना, किरचॉफ लॉ से समझाए थे तुम लोगों को, पर ओम्स लॉ से सिंपल हो जाएगा, मैं करा दे रहा हूँ। खत्म खत्म, गलत गलत गलत, वैसे नहीं करते हैं। वैसे तुम्हारे सर बहुत मेहनत करा दी है तुमसे, मैं दो लाइन में करा दे रहा हूँ, डोंट वरी। रुक जाओ, उतार लिए डायग्राम, मैं प्रूफ करा दे रहा हूँ दो लाइन में, उतना लगाना ही नहीं है, उतना काय मेहनत करना है, देखो ना, उतार लिए इसको। अब सुन, सबसे पहली बात देखो, बहुत कॉन्सेप्ट है इसलिए ध्यान से सुनना, इसको वाला थोड़ा सा भूल जाओ अभी। अगर आप पांच रजिस्टर का ऐसा गुच्छा देखेंगे आप समझ जाएंगे कि हम इसको क्या कह सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक, पहली बात। अच्छा व्हीटस्टोन ब्रिज कहने के लिए मैं अभी से बताता चलूं कि अगर टर्मिनल यहाँ यहाँ दिया है एक ए बी, तो बीच वाला जो रजिस्टर है वो ऐसे रहना चाहिए, ऐसा मत करना कि टर्मिनल यहाँ है और रजिस्टर भी पाँचवा वाला यहाँ ऐसे रख दिए, तो भी व्हीटस्टोन नहीं कह जाएगा, अपोजिट दो टर्मिनल के बीच में होना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? ए और बी यहाँ पे है तो रजिस्टर ऐसे होना चाहिए। सोच अगर हम ए और बी यहाँ ले लेते तो पांचवा रजिस्टर ऐसे बनाना चाहिए था, तो फिर सिंपल सिंपल सर्किट हो जाएगा पैरेलल वाला। देख अगर तू ऐसे ले लेती है तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज फिर आपस में पैरेलल हो जाएगा ना, उसको तो सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे ना, तो इसकी कोई स्टडी कर रहे हैं अपन। हाँ चलिए देखना, अब सुन, अब आगे क्या बोला जाता है बेटा, पहले लिखवा देते हैं फिर प्रूफ कराते हैं। आगे बोला जाता है कि अगर इफ आर वन इंटू आर फोर, हम तो ऐसे रटते हैं, ऐसे तुमको नहीं रटना चाहिए, आर वन इंटू आर फोर ऐसे रटना चाहिए, सामने सामने वाले का प्रोडक्ट आर वन आर फोर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, अगर ये बराबर होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अगर ये बराबर होता है तो देन हम कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं, P पॉइंट और Q पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q बिकम सेम, इक्वल। अगर इक्वल हो जाएगा बेटा तो क्या यहाँ पे करंट बहेगा क्या? नहीं, नहीं बहेगा, करंट ही नहीं बहेगा, तो इस रजिस्टर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, तो हम इसको उठाकर फेंक सकते हैं। अब जैसे इसको उठाकर फेंक सकते हैं, करंट बह ही नहीं रहा, तो जो भी करंट यहाँ से आएगा वो क्या पूरा का पूरा यहाँ चला जाएगा, तो क्या अब ये और ये कैसा हो गया, ये और ये फिर आपस में सॉल्व हो गया। इस सिचुएशन में
व्हीटस्टोन ब्रिज को एक नया नाम दिया गया, जिसको बोलते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? बैलेंस कंडीशन में है। कोई तकलीफ? बैलेंस कंडीशन का कंडीशन यही, सामने सामने वाले का मल्टीप्लीकेशन बराबर होना चाहिए, ऐसे ही याद करना चाहिए। अब सामने सामने का कुछ भी वैल्यू दिया जा सकता है, तो लिखो जरा इसको। तो टाइम नहीं है। सामने सामने तो आर्थ्री हो गया सर। हाँ जो बोलो ना, ठीक है लिखो। इफ आर वन आर फोर इक्वल्स टू आर टू आर थ्री देन VP equals to VQ. This means that current will not flow through the resistor are not. ठीक है भाई, कोई तकलीफ यहाँ तक? In this condition, Wheatstone Bridge, is known to be in balanced condition. अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो। Now in balanced condition R equivalent can be given as. देख बेटा बता, बैलेंस कंडीशन में क्या इसका कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया? पक्की बात है कि सर जो करंट यहाँ से आएगा पूरा यहाँ का यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो हम अगर डायग्राम में बना दें तो ऐसे दिखाएंगे, करंट मान ले I1 यहाँ से गया तो ये पूरा का पूरा I1 इधर चला गया क्या, और यहाँ से आया होगा कुछ, मान ले करंट बेटा ऐसे I आया होगा तो इधर I1 गया होगा, इधर I2 गया होगा, तो ये जो I2 गया इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि इसमें तो बहना ही नहीं है, तो पूरा का पूरा I2 इधर चला गया होगा, फिर दोनों मिल करके जुड़ करके टोटल I बन के बाहर आ गए होंगे, हुआ होगा ना। रुक जा लिखो मत अभी। अब सुन, इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में और ये दोनों भी फिर आपस में, तो बोल R इक्विवेलेंट का एक बार में फॉर्मूला कैसे लिखूं मैं, R1 प्लस R2 और इसका R3 प्लस R4 और पैरेलल में दो रहता तो क्या लिखते थे, R1 R2 by R1 प्लस R2 ये लिखते थे। तो देखना डायरेक्ट हम आंसर कैसे लिखते हैं, R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। रितिका समझ में आया? हाँ सर। कोई दिक्कत? इसका मतलब, रुको, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज को अभी भी सॉल्व नहीं करने आता है मेरे को। कब सॉल्व करने आता है? जब बैलेंस कंडीशन में हो, बैलेंस कंडीशन में हो तभी सॉल्व कर पाओगे, अनबैलेंस कंडीशन में हो तो सॉल्व करना नहीं आता। वो सॉल्व करना सिखाएंगे फिर बाद में। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? अब लिख ले पूरा बात। लिख लिए, अब लिख लो डेरिवेशन ऑफ, अगर आता होगा स्कूल में तो आना है, आएगा ना तो लिख लो, डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आ जाओ बेटा, देख हम लोग उल्टा डिराइव करते हैं एक्चुअली।
दो तरीके से डिराइव किया जा सकता है कि देखो अगर R1 R4 बराबर R2 R3 है, अगर ऐसा है तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, या तो उल्टा प्रूफ कर सकते हैं कि अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम लोग उल्टा प्रूफ करेंगे, ध्यान से सुनना। मैं मान ले बेटा इसको P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि इसका पोटेंशियल P और Q का पोटेंशियल सेम है, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है इस डायग्राम से, है ना, इसीलिए पहले से ही करंट दिखा के रखे मैं। इफ़ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P एंड पोटेंशियल ऑफ Q इज सेम, अगर बराबर है तो पक्के से हम कह सकते हैं कि करंट इसमें से कुछ नहीं बहने वाला है, करंट विल नॉट फ्लो। ऐसे पूरा लाइन लिख लेना, करंट विल नॉट फ्लो थ्रू आर नॉट, कोई तकलीफ। अब सुन, चल लगा ओम्स लॉ, इस आर वन के लिए ओम्स लॉ लगाओ। क्या लिखोगे R1, R1. इसके लिए ओम्स लॉ लगाओ। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू आई आर, भी इक्वल्स टू आई आर, यही होता है ना बेटा। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखो, करंट किधर से बहाते हुए दिखा रहे हो डायग्राम में, इधर से इधर, मतलब इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का नाम ए है ना, तो यही रहने देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देख, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, ऐसा क्या लिख सकते हैं। अच्छा इसका नाम कुछ दे देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, रुक जा सुनना थोड़ा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसका पोटेंशियल x हो गया, क्योंकि दोनों का तो सेम ही है ना बाबू, तो ये भी x हो जाएगा क्या, इसका पोटेंशियल भी, ठीक। चल अब लिख, बता इसके लिए क्या लिखें, पोटेंशियल ऑफ a माइनस x बराबर I1 वन इंटू, ऐसा लिखेंगे क्या। चल सिमिलरली इसके लिए लिख क्या लिखेगा, पोटेंशियल ऑफ a माइनस माइनस x बराबर I2 R3, ऐसा लिखोगे क्या। देख तो ये दोनों बराबर है क्या, तो क्या हम एक ही लाइन में लिख देते तो तुमको समझ में आ जाता। देख तो कोई दिक्कत अंकु, ठीक है। अब आगे देख, इक्वेशन वन, अब जरा इसके लिए ओम्स लॉ लिख, क्या करंट ऐसे बह रहा है तो ये हायर होगा ये लोअर होगा, तो क्या लिखे बोल, पोटेंशियल ऑफ एक्स माइनस वी बी इक्वल्स टू आई वन आर टू, सिमिलरली इसके लिए आई टू आर फोर, तो यहीं पे लिख दे क्या, आई टू हो गया बेटा इक्वेशन नंबर टू, कोई दिक्कत। अब चुपचाप क्या करना है, डिवाइड कर दे एक दूसरे से, डिवाइड कर इक्वेशन नंबर वन, डिवाइड इक्वेशन नंबर वन बाई टू, देख आई वन बाई आई वन गया खत्म, तो क्या दिखा रहा है, आर वन बाई आर टू बराबर आर थ्री बाई आर फोर, आ गया क्या कंडीशन, देख आर वन आर फोर इक्वल्स टू आर टू आर थ्री हो गया, और क्या, बिल्कुल वैलिड रीजन, क्यों नहीं एकदम कर सकते हो, फालतू वही रट क्या है बचपन से वो लोग, तो क्या गलत है इसमें, कुछ गलत किए हैं क्या, एकदम ओम्स लॉ लगाए, टेस्ट मेथड सर, क्योंकि रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल हमारे सिलेबस में है नहीं, क्यों नहीं सिलेबस में, सर बोर्ड्स वाला सिलेबस, हाँ है नहीं, कैसे पता तुमको, कॉम्बिनेशन में बिना पैरेलल का तुमको ये सेल पढ़ाया गया है ना, हाँ। या ये पढ़ाया गया है ना, क्या बोलते हैं केवीएल केसीएल, हाँ। बिना कॉम्बिनेशन आर वन प्लस आर टू के कैसे, मतलब केवीएल केसीएल हुआ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सीरीज पैरेलल का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, कोई यूज है क्या, देखो तो कहीं हम बोले हैं कि सीरीज पैरेलल में आपस में, कहीं नहीं बोले हैं, देख बोले हैं क्या, देख पूरे डेरिवेशन में बोले हैं क्या, बस ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया हम, हो गया। अरे ऐसा भी नहीं होता कि जो सिलेबस वो बोल दिया एकदम वैसे ही लिख देना है, ऐसा नहीं है, तुम लोग को जितना डरा रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है बाबू। देखो पता है तुम लोग के दिमाग से खेला जाता है, फालतू में डिस्टर्ब कर रहे हैं वो लोग, अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं कि देखो कोरोना वाले बच्चे हैं ना तो ज़्यादा सिलेबस दे दिए, हालांकि दिया सब कुछ है, सवाल कहीं से पूछ देगा बाद में तू क्लेम नहीं कर सकता है, बाद में तुमसे बोलेगा ना कि सीरीज नहीं दिया, तो बोले बेटा तू ये बिना जाने तू केवीएल केसीएल पढ़ ली,
कौन टीचर पढ़ाया था तेरे को, फिर तेरे टीचर पूछेंगे। क्या एक लाइन का आर नॉट, क्यों? क्योंकि यहाँ इन दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, तो ये लाइन लिख लेना, करंट विल नॉट फ्लो थ्रू आर नॉट। आए हुए हैं, बैठाओ ना, बुलाओ ना, बुलाओ, बोलो सर बुला रहे हैं। अच्छा,
ये पवन संडे को केमिस्ट्री सुबह में हो गया है तो 7:30 बजे ठीक है बहुत अच्छा। शाम को जिससे हमको वहाँ जाना था ना, शाम को जाना है ना संडे को, शाम को कौन तो वही 5:30 से 7:30 एक टाइम, संडे को दो टाइम है, 5:30 से 7:30 और एक है सुबह 7:30 से कुछ टाइम वाला कर लेंगे, सुबह ही वाला नहीं है सर। नहीं डबल स्टार्ट करना, टाइम हो गया क्या? 8 बज गया है ठीक है ओके सब कोई बोल दीजिए। हाँ दे दे माइक दे, सो थैंक यू सो मच। हो गया उतार लो भाई, बंद करेगा क्या फालतू।